हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति से झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा, प्रभु तेरे इस मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति से जो तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, एक अमीर व्यक्ति ने प्रभु यीशु से पूछा, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? उसी तरह का एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी बनने के लिए हमें एक ही काम करना होता है, वह काम है प्रभु यीशु का जो वचन है उसको निष्ठापूर्वक पालन करना। जब हम प्रभु यीशु के वचन को निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, सचमुच प्रभु यीशु हम पर अपनी आशीष बरसाएंगे। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा या कभी नहीं मरेगा। आइए हम प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार चलें और उसके अनुसार अपने अपने जीवन में जरूर पालन करें, ताकि हम प्रभु यीशु की आशीषों को, अनुग्रहों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को, कमजोरों को याद करें और प्रभु यीशु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे पिता, अपने दीन भक्तों की सहायता कर तथा तेरी दया पर भरोसा रखने वालों की देखभाल कर। हम पाप के कलंक से शुद्ध होकर पवित्र आचरण करते रहें और तेरी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बने। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पाठ। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा, तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से ये कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाद के प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाद के प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाद के प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह ही देता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अद्भुत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं, यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह ही देता हूं, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से
मंदिर से निकल गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी रोटी दाकस हम लेके आए हैं तुझ पे चढ़ाने जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें सुख आए तेरे दर्शन में स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि यह बलिदान तुझे पसंद आए। यह हमारे मन परिवर्तन में तथा समस्त संसार की मुक्ति में सहायक सिद्ध हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर यह अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सहर्ष पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिकाधिक प्रयत्नशील रहे कि मानव मुक्ति के रहस्यों का समारोह मना सकें। इनके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्रों के योग्य कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं पवित्र 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 प्रभु यीशु मंडल के परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता तो वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसमें से लो और खाओ यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और पियो यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिद्ध हार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके प्रिय वर संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सिद्ध नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय में संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। ईश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचाया, परंतु हम सब के लिए उनको समर्पित कर दिया और उनके साथ ही हम लोगों को सब कुछ दे दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने मुक्तिदायी परम प्रसाद से हमें तृप्त किया है। जिस संस्कार से तो इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन के सहभागी बना। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना महामारी के संसार से खत्म होने के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तू सारे सृष्टि को प्यार करता है। संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों के लिए दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही ये महामारी नियंत्रित और खत्म हो जाए। बीमार लोग चंगाई और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। हम डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे इस महामारी के इलाज का प्रभावशाली टीका और दवाइयां विकसित कर सकें। हम संस्कार के तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे लोगों की भलाई के लिए उचित कदम उठा सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे रोगियों के स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर।